चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन रीड करो। अ लॉन्ग सोलेनॉइड इज फॉर्म बाय वाइंडिंग 20 टर्न्स पर सेंटीमीटर। द करंट नेसेसरी टू प्रोड्यूस अ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 20 मिली टेस्ला इनसाइड द सोलेनॉइड विल बी। मैग्नेटिक फील्ड कितनी होती है अगर सोलेनॉइड की बात करें तो? मैग्नेटिक फील्ड सोलेनॉइड के अंदर होती है, वैसे तो अलग अलग जगह अलग अलग होती है, ठीक है, क्योंकि लॉन्ग सोलेनॉइड बोला है तो हम यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू मान लो ये पी पॉइंट है, यहाँ पर कंसिडर करते हैं म्यू नॉट एन आई, ये होता है, ठीक है। अब ये क्या है 20 टर्न्स पर सेंटीमीटर, तो ये स्मॉल एन की वैल्यू दी है 20 टर्न्स पर 1 सेंटीमीटर, तो मीटर में कन्वर्ट कर ले तो कितना हो जाएगा 20,000 हो जाएगा ना, 2,000 टर्न्स पर 1 मीटर, ये एन हो जाएगा स्मॉल एन, ठीक है। करंट टेस्ला, अच्छा ये मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू दी हुई है 20 मिली टेस्ला, तो 10^-3 टेस्ला हो जाएगा, 20 × 10^-3 टेस्ला, ठीक है। और मी नॉट अपॉन 4π की वैल्यू ये दी हुई है, ठीक है। तो करंट की वैल्यू निकालनी है तो क्या करोगे, ये वैल्यू पुट कर दो यहाँ पर, 20 × 10^-3 टेस्ला इज इक्वल टू म्यू नॉट की वैल्यू क्या हो जाएगी, म्यू नॉट अपॉन 4π की वैल्यू अगर ये है तो 4π × 10^-7 होगा, म्यू नॉट की वैल्यू यहाँ रख दें 4π × 10^-7 इंटू एन की वैल्यू 2000 इंटू आई, तो आई इज इक्वल टू क्या हो जाना चाहिए 20 × 10^-3 डिवाइडेड बाई 4π × 10^-7 इंटू 2000, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लें, ये कितना हो जाएगा, ये 10^-2 होगा, ठीक है, 2 से ये 2 कट जाएगा, बाकी को ऊपर भेज देते हैं, ये 10^-7 है, ये 3 − 4 होगा, 4 ऊपर जाएगा +4 डिवाइडेड बाई 4π, ठीक है, 100 / 4π। अब इसको कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लेते हैं, 4π 4 × 3.14 कितना आएगा 12.56 लिख लेते हैं यहाँ पर, 100 / 12.56 तो डिवाइड कर लेते हैं 100 में 12.56 से डिवाइड करते हैं तो 7.9 आ रहा है, 7.9 एम्पियर, क्योंकि SI यूनिट में लिखा है तो ऑब्वियस ही बात है, तो 7.9 किसके है, ये वाला ऑप्शन 8 एम्पियर, ये बहुत क्लोज है इसलिए यही आंसर होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।